हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। आज है 18 अगस्त, दिन है शनिवार। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स और स्टडी जीके का ये वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। सेना के कितने जवानों ने अफस्पा, यह एक कानून है, इसके बारे में डिटेल में आपको बता रहा हूँ। तो अफस्पा वाले क्षेत्रों में अभियान के दौरान की गई कार्रवाई के खिलाफ उन पर मामला दर्ज करने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। तो ऐसे लगभग 300 जवान हैं जिन लोगों ने अफस्पा वाले क्षेत्रों में अभियान के दौरान उन्होंने जो कार्रवाई की उसके खिलाफ उन पर जो मामला दर्ज हुआ है उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। संख्या लगभग 300 यहाँ पर सैनिकों के आसपास है। देखिए मैं आपको बता दूँ अफस्पा होता क्या है। अफस्पा इसको कहते हैं आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958, यानी कि AFSPA, इसको कहा जाता है अफस्पा, यानी कि सशस्त्र बल स्पेशल पावर अधिनियम। यह एक फौजी कानून है जिसे डिस्टर्ब रीजन में लागू किया जाता है। यह कानून सशस्त्र बलों यानी कि सेना को कुछ विशेष अधिकार भी प्रदान करता है। 1 सितंबर 1958 से यह असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड, इनको सेवन सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर इन सेवन सिस्टर जो राज्य हैं वहाँ पर ये लागू है, और इसे जो है पंजाब और चंडीगढ़ में भी बाद में लागू किया गया था, हालांकि पंजाब और चंडीगढ़ में 1997 में हटा लिया गया था। जम्मू और कश्मीर में भी अफस्पा लागू है, कब से, 1990 से, और अब तक वहाँ पर ये जारी है। ठीक है, तो ये हो गई एक संक्षिप्त जानकारी। डिस्टर्ब एरिया में यह कानून लागू किया जाता है। तो यहाँ पर 300 ऐसे सैनिक हैं जिन्होंने अपने खिलाफ कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। अब अगली सुनवाई इसकी होनी है 20 अगस्त को। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने 14 अगस्त को पूर्वोत्तर रेलवे के कितने स्टेशनों पर वाईफाई सुविधा शुरू की है। तो यहाँ पर स्टेशनों की संख्या है 60, यानी कि 60 स्टेशनों पर अब पूर्वोत्तर रेलवे के वाईफाई की सुविधा आपको मिलने लगेगी। फ्रेंड, 17 अगस्त को जो क्विज हमने पूछी थी उसमें 5 सबसे तेज और सबसे सही जवाब जिन लोगों के आए थे, देखिए जो लोग सिंपली केवल ABCD के रूप में जवाब दे रहे हैं उनके नाम यहाँ पर शामिल नहीं हो पा रहे हैं। आपको विकल्प लिखना है, विकल्प के बाद जो आंसर है पूरा, यानी कि आपको पूरा आंसर लिखना है तभी आपको विनर घोषित किया जाएगा और इस लिस्ट में आपको शामिल भी किया जाएगा। देखिए यहाँ पर एक सरप्राइज गिफ्ट भी है, लगातार जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको एक सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा और इसके बारे में जल्दी घोषणा भी की जाएगी, इसलिए आप लोग इस क्विज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। यहाँ पर जो 5 लोग हैं जिनके जवाब सबसे पहले और सबसे सही थे उनमें राज पटेल, जानू पटेल जी हैं, उसके बाद श्रीनाथ निषाद जी हैं, उसके बाद उमाशंकर जी, चौथे स्थान पर हैं विशाल शर्मा जी और 5वें स्थान पर दीप्ति पांडे जी। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और अब आज की जो क्विज है उसको हम इस वीडियो के अंत में आपको देंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने पुलिस कर्मियों को राष्ट्रपति पदक से नवाजा गया है, जिनकी संख्या कुल हो रही है यहाँ पे 77 पुलिसों जो पुलिसकर्मी हैं उनको जो है राष्ट्रपति पदक दिया गया 15 अगस्त 2018 को। यूपी पुलिस के अपर पुलिस अधीक्षक लक्ष्मी निवास मिश्र को वीरता के राष्ट्रपति पदक से नवाजा गया है। 6 पुलिसकर्मियों को उत्कृष्ट सेवा और 70 को सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक दिया गया है। अगर आप जानना चाहते हैं इन 77 पुलिसकर्मियों के नाम तो आइए हमारे फेसबुक पेज पर, वहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 10 अगस्त को सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार वन निधि के लिए जमा कुल धनराशि को कितने कार्यों के लिए प्रतिबंधित किया गया है, यानी कितने कार्य ऐसे हैं जिन पर वन निधि का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर संख्या है उनकी 11। अब एक संक्षिप्त जानकारी मैं आपको देता हूँ, डिटेल में मैं फेसबुक पेज पे मैंने पूरी पोस्ट डाल दी है, वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। जैसे कि वेतन भत्ते, चिकित्सा भत्ता, विदेश दौरा, मुकदमों की फीस भरने, भारी वाहन और स्टाफ कार की खरीद, दफ्तर या फिर आवास निर्माण में AC जनरेटर वगैरह खरीदने में अब वन निधि का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भारत में किस मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान को COL यानी कोल पुरस्कार से नवाजा गया है। तो सही जवाब है इसका
NIOS, NIOS यानी कि आपको पता ही है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ठीक है। और COL का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग, यह एक प्राइज है। NIOS को 8वें पैन कॉमनवेल्थ कुआलालंपुर मलेशिया के मंच पर मुक्त विद्यालयी शिक्षा में संस्थागत उपलब्धि के लिए COL से यानी कि कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग प्राइज से सम्मानित किया गया है, यह एक अवार्ड है, ठीक है। COL अवार्ड किसको मिला, NIOS को। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की ने चालू वित्त वर्ष में आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, और सही जवाब है ऑप्शन यहाँ पर 7.4 यानी कि बी। जैसा कि आपको पता है कि इसकी पहली तिमाही में जो अनुमान है वो 7.1% रहने का अनुमान लगाया गया है फिक्की के द्वारा। हाल ही में किस स्पेनिश फुटबॉल खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है, किस स्पेनिश फुटबॉल खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है, और यहाँ पे सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, डेविड सिल्वा। देखिए मैं आपको बता दूँ, मैनचेस्टर सिटी के स्पेनिश मिडफील्डर डेविड सिल्वा ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल जगत से संन्यास ले लिया है। 32 वर्षीय सिल्वा ने स्पेन के साथ 2010 में फीफा विश्व कप और 2008 और 2012 में यूरोपीय चैंपियनशिप भी जीता था। अपने करियर में 2006 में स्पेन के लिए पदार्पण करने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय टीम के लिए कुल 125 मैच खेले यानी कि 125 मैचेस। सिल्वा का कहना है कि स्पेनिश टीम के साथ मिली उपलब्धियों पर उन्हें गर्व है। सिल्वा ने कहा कि मैंने टीम के साथ अपना सपना जिया है। तो डेविड सिल्वा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट फुटबॉल खिलाड़ी के तौर पर संन्यास ले लिया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। दवाओं के बढ़ते मूल्य पर मनमानी को रोकने के लिए औषधि मूल्य नियामक यानी कि NPPA, देखिए यहाँ पर इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। NPPA का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, ठीक है। तो दवाओं के बढ़ते मूल्य पर मनमानी को रोकने के लिए औषधि मूल्य नियामक यानी कि NPPA ने 16 अगस्त को कितने रसायनों का अधिकतम मूल्य निर्धारित कर दिया है, सही जवाब है ऑप्शन सी, 92 रसायन। ये रसायन कौन कौन से हैं, इसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो फेसबुक पेज या फिर टेलीग्राम चैनल पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि NPCI, देखिए यहाँ पर NPCI का जो फुल फॉर्म होता है वो भी जान लीजिए, हिंदी तो आपको पता होगी, राष्ट्रीय भुगतान निगम। NPCI मतलब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है आपके UPI का कौन सा वर्जन, नया वर्जन लॉन्च किया गया है, और इसका सही जवाब है वर्जन 2.0। राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि NPCI ने ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए एकीकृत भुगतान यंत्र यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, UPI का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि एकीकृत भुगतान तंत्र का वर्जन 2.0 लॉन्च किया है, ठीक है। रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल, NPCI के इनोवेशन के सलाहकार नंदन नीलेकेड़ी और SBI के अध्यक्ष रजनीश कुमार, देखिए SBI के अध्यक्ष का नाम आपको याद होना चाहिए, SBI के अध्यक्ष कौन है, रजनीश कुमार, इन लोगों ने गुरुवार को यानी कि स्टरडे UPI के इस उन्नत संस्करण को लॉन्च किया। इस मौके पर NPCI के गैर कार्यकारी अध्यक्ष विश्वमोहन महापात्रा, NPCI के गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन है, विश्वमोहन महापात्रा, और NPCI के MD और CEO का नाम बताइए, ठीक है, ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। NPCI के MD और CEO कौन है, देखिए ऐसी जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं इनके बारे में आपको पता ना हो चाहिए, प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये हैं दिलीप असबे, ठीक है, क्या नाम है, दिलीप असबे, तो थोड़ा इसको आप लोग याद रखिएगा, दिलीप असबे। असबे ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में UPI द्वारा डिजिटल भुगतान क्षेत्र में आई क्रांति से NPCI उत्साहित है। बड़ी संख्या बैंक, दुकानदार, तीसरे पक्ष और उपभोक्ताओं ने इस प्लेटफॉर्म पर विश्वास किया, जिससे इस पर लेन देन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। UPI के 2.0 के लॉन्च होने से उपभोक्ता से दुकानदार
भुगतान क्षेत्र में बढ़ोतरी होने का अनुमान है। अब यहाँ पर एक लेटेस्ट अपडेट मैं आपको और दे देता हूँ एक्स्ट्रा में, वॉलमार्ट इंडिया ने यूपीआई भुगतान सेवा भी शुरू की है। खुदरा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी वॉलमार्ट इंक के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी वॉलमार्ट इंडिया ने गुरुवार को घोषणा की कि उसके सभी पंजीकृत सदस्यों के लिए यूपीआई सेवा शुरू की जा चुकी है। कंपनी के अनुसार यह भुगतान समाधान किराना दुकानदारों इत्यादि को विशेष तौर पर सुविधा प्रदान करेगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। जैसा कि आपको पता है क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने केरल में बाढ़ की स्थिति का संज्ञान लेते हुए किस बांध का जल स्तर घटाने का निर्देश दिया है। तो यह बांध है मुल्ला पेरियार बांध, मुल्ला पेरियार बांध। मुल्ला पेरियार बांध कहाँ पर स्थित है, इसका जो ऑनरशिप है वो केरल के पास है, लेकिन ऑपरेटिंग जो है वो तमिलनाडु और केरल इसको मिलकर करते हैं। ठीक है, तमिलनाडु और केरल। मुल्ला पेरियार बांध शुरू हुआ था कब बनना, 1887 में, और ये समर्पित हुआ यानी कि ओपन हुआ 1895 में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 53.66 मीटर, काफ़ी ऊंचाई है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा कि आपको पता है कि केरल में इसमें भीषण बाढ़ आई हुई है, तो वहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो मौजूदा जलस्तर है 142 फुट उसको घटाकर 139 फुट कर दिया जाए, ऐसा आदेश दिया गया है आपदा प्रबंध उपसमिति को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अबूधाबी मास्टर्स में तीसरा और आखिरी नाम हासिल करने के बाद भारत के 53वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं कौन, सही जवाब है निहाल सरीन। निहाल सरीन अब ये भारत के 53वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। देखिए इनके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 बरस की उम्र में ग्रैंड मास्टर बने हैं भारत के निहाल सरीन, और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी से ज़्यादा राहत है ये खिताब उन्हें मिल गया। अबू धाबी मास्टर्स में तीसरा और आखिरी नार्म हासिल करने के बाद भारत के 53rd ग्रैंड मास्टर बने हैं सरीन। उन्होंने कहा कि कई बार नार्म के मसलों के कारण प्रयोग करने से डर लगता है, मैं अब काफ़ी राहत महसूस कर रहा हूँ, हालांकि अब यह बीती बात हो चुकी है। तो याद रखिएगा 53वें ग्रैंड मास्टर कौन है, निहाल सरीन, उम्र है 14 वर्ष। ठीक है फ्रेंड्स, 17 अगस्त को हमारी क्विज थी कि अगले 3 वर्षों के लिए भारत में निःशुल्क ला लीगा खेल को दिखाने का अधिकार किस कंपनी ने खरीद लिया है, और इसका सही आंसर है फेसबुक। ठीक है, फेसबुक ने यह अधिकार खरीदा है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इसका सही जवाब दिया था। देखिए एक चीज़ और भी है, क्विज में अगर आप चाहते हैं कि आप विनर के तौर पे चुने जाएं तो आप आंसर पूरा कीजिएगा, विकल्प लिखिए जो भी है और उसके आगे जो यानी कि आंसर आपको पूरा देना होगा तभी आप चुने जाएंगे। तो आज की क्विज है 18 अगस्त की, एशियाड स्वर्ण पदक विजेता हाकम सिंह का निधन हो गया है। हाकम सिंह ने बैंकॉक में 1978 एशियाई खेलों में हिस्सा लिया था और उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। वो कौन सा खेल खेलते थे ये आपको बताना है, ऑप्शन ए भाला फेंक, ऑप्शन बी 20 किलोमीटर पैदल चाल, सी 400 मीटर की दौड़, या फिर डी बैडमिंटन। तो सही जवाब की प्रतीक्षा रहेगी और देखते हैं कि आप लोगों में से कौन कौन लोग सबसे पहले और सबसे सही जवाब देते हैं, क्योंकि जो लगातार जो लोग सही जवाब देंगे उनको एक सरप्राइज गिफ्ट भी दिया जाएगा और इसकी घोषणा जल्दी की जाएगी। तो फ्रेंड्स ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको PDF चाहिए तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कम से कम अपने फ्रेंड में इसे एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हम मिलेंगे आपसे सेम टाइम सेम चैनल पर दोबारा एक नए एपिसोड के साथ करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।